धन्यवाद, आज तुम्हारी पत्नी ने मुकदमा लगा दिया तो तुमको इतना बुरा लग गया। लड़ो ना, उसको सबक सिखाओ ना, उसको एहसास दिलाओ भाई। तुम ये स्टैंड करती, दूसरी शादी के चक्कर पड़ गए, दूसरी तुम्हें भली मिल जाएगी बहुत, या दूसरा पति तुम्हें भला मिल जाएगा, समझ रहे? तो ज्ञानबाजी ना करे। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट प्रणदत्त आगरा से। आज हम बात करेंगे कि जो लोग हमें मोरलिटी का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। हालांकि मेरा जो उद्देश्य था ना, वो लोगों को जागरूक करने का था। ये नहीं है कि आप आके हमें पर्सनल कमेंट करने लगे, पर्सनल हमें पलटवार करें, क्योंकि मानसिकता में पुरुषों के बारे में भी जानता हूं, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, मेरे केस चले, मैंने उस दौरान ना अपने आप को नए तरीके से ढाला, नए कैरियर में ढाला, है ना। और मेरी लड़ाई के बारे में मैं आज आपको बताता हूं कि आखिर में ऐसी क्या स्थिति रही कि हमें ये केस लड़ने पड़े। कारण मालूम क्या था, जब मेरे पिताजी जब एक्सपायर हुए, तो मेरे पिताजी को उस टाइम पे काफी इज्जत जैसा किया जाता था। जो चीजें मुझे हमेशा काटती रही, कोई भी लड़का होगा ना, उसके जो माँ बाप की अगर बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करता। और क्योंकि मेरे ससुर जी जो थे वो गजेटेड ऑफिसर थे, और मेरे पिताजी राजस्व विभाग में थे, तो मेरे ससुर को ये लगता था कि ईगो प्रॉब्लम थी बहुत। आज भी है, ऐसा नहीं है, आज मेरी वाइफ मेरे साथ में है, मेरे बच्चे मेरे साथ में है, लेकिन उस इंसान ने कभी भी हम लोगों को एक साथ खड़ा होते हुए पसंद नहीं किया। परेशानी क्या थी, बार 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 टॉर्चर किया जा रहा था, बार बार केस लगवाए जा रहे थे, मेरी वाइफ को ले लेके थाने में ले जा रहे थे वो। कुछ ऐसी बात है जो ससुराल वालों से बिगड़ जाएगी तो लड़की को मायके वालों का साथ देना ही पड़ेगा, मायके वालों के साथ चलना ही पड़ेगा। ठीक है, मानते हैं ये हुआ, लेकिन जिस टाइम पे मेरी सिस्टर की जब शादी थी ना, जब मेरे दरवाजे पे, जब मंडप में जब पुलिस आई, तब डिसाइड कर लिया था कि इसको इसी की भाषा में समझाएंगे कि जिस कानून का ये दुरुपयोग कर रही है, जिस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस कानून से हमें डराया जा रहा है, जिस कानून से हमें परेशान कराया जा रहा है, इसके पिता को लगता है, इसके परिवार वालों को लगता है कि हम कानून का डर दिखा के कुछ हासिल कर लेंगे। तो उस टाइम पे जब मेरे सामने जब ये विपदा थी कि जब पुलिस दरवाजे पे खड़ी हुई थी, वो सिस्टर की बारात चढ़ रही थी और बरात मंडप में आने वाली थी, मैंने बहुत बड़ा स्टेप लिया था उस टाइम पे, सुसाइड करने का पूरा कोशिश कर लिया। एक हमारे एक दरोगा जी थे, उन्होंने उसी टाइम पे फोन किया और मुझे तत्काल बुलाया। मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया था, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, आ जाओ थाने में। मैं गया, उन्होंने मेरे से एक ही बात कही कि आखिर में तुम ये सब क्यों कर रहे हो। फिर मैंने वहां डिसाइड किया कि ठीक है, जिस कानून को मेरे खिलाफ दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस कानून से हमें परेशान कराया जा रहा है, जिस कानून के तहत हमें डराया धमकाया जा रहा है, जिस कानून के तहत मेरी इंजीनियरिंग की जॉब में मुझे परेशान किया गया, कोई बात नहीं, जब तक मुकदमे चलेंगे तब तक मुकदमे चलाएंगे और देखते हैं कि सामने वाले की कितनी ताकत होती है। मैंने उसी टाइम पे डिसाइड किया, मैंने अपनी माँ से कहा आज के बाद कभी थाने नहीं आने देंगे, कभी कोर्ट में नहीं। सच बताऊं, मैंने कभी अपनी माँ को, अपने परिवार वालों को कभी कोर्ट थाने में नहीं जाने दिया। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने सात कसमें खाई थी। पहला ये था
कि जिस जगह पे आज मुझे बेइज्जत किया है उस बेइज्जती का बदला लेंगे, जो हमारे पिताजी के साथ में जो बर्ताव किया जाता था उसका बदला लेंगे। दूसरी कसम हमारी ये थी कि जिस थाने में, जिस थाने की पुलिस लगाई गई है और जिस थाने से हमें परेशान कराया जाता था, हम उसी थाने में, तुम्हारे थाने में, तुम्हारे जिले के थाने में तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कराए, मैंने कराई। तीसरी कसम ये थी कि तुम कितना भी हमें टॉर्चर कर लो, कितना भी हमें परेशान कर लो, हम आएंगे और वहीं अपना कैरियर बनाएंगे। चौथी कसम मेरी ये थी कि जहां तुम रह रहे हो ना उसी जिले में कैरियर बनाएंगे, तुम्हारे घर के सामने से डेली निकलेंगे और वहीं अपना मकान बनाएंगे और वहीं रहेंगे, और तुम्हारी छाती पर रह के तुम्हें हम बताएंगे कि कानून नाम की कोई चीज नहीं होती। अगली कसम थी कि तुम्हें जो कानून का जो सहारा मिला हुआ है ना, जो हमारी पत्नी को ढाल बना के गलत तरीके से तुम प्रेशर में लेना चाहते हो, उन्हीं कानूनों में, उन्हीं मुकदमों में हम तुम्हें बताएंगे कि इसमें जब पलटवार होते हैं तो किस तरीके के होते हैं। जो मेरी लास्ट कसम थी ना, मेरी लास्ट कसम ये थी कि यही करियर बना के दिखाएंगे। मेरा मेरे ससुर जी कहते हैं कि वकालत कर रहा है, 100-100 रुपए कमाता होगा, क्या रखा था उसमें, इंजीनियरिंग में अच्छा था। बात भी उनकी सही है, क्योंकि जैसा उन्होंने देखा वैसी उनकी मानसिकता हो। लेकिन कोई बात नहीं, हमने पैसा कमाया, नहीं कमाया, डैमेज तो हुए लेकिन हमने नाम तो बहुत कमाया है। पैसे का तो खैर पता नहीं, वो तो अभी जीवन पड़ा हुआ है, जिंदा रहेंगे तो वो भी कमा लेंगे। आखिरी जो कसम थी कि जो हमारा ससुर जो जिद बना के रखे था ना कि हम मेरी पत्नी को नहीं भेजेगा, तो मैंने जब बच्चों की जब कस्टडी ली उस टाइम पे मैंने ये डिसाइड कर लिया, जब बच्चों का जब चेहरा देखता था ना तो बड़ा अजीब सा लगता था, तब मैंने डिसाइड किया था कि इन बच्चों को इनकी माँ का हक जरूर दे। मैं करने के लिए शादी कर सकता था, बहुत सारे ऑफर आ रहे थे, लोगों ने बात भी चलाई, कभी कभी मन भी टटोल गया कि नहीं यार करनी चाहिए, लेकिन नहीं लगा कि नहीं यार हम दूसरी शादी में कितने सफल हो सकते हैं। और आप विश्वास मानो, जो हमें नीचा दिखाते थे, आप सवेरे 8 बजे से पहले कभी भी आना, हमारे यहाँ भगवान टली पुल के नीचे, आपको सच्चाई और मोरंटी नजर आ जाएगी। और मेरी जब वाइफ जब मेरे घर पे आई ना, तो रात के 10:30 बजे आई है और अचानक आई है, ना कोई समझौता, ना कोई कुछ, कुछ नहीं, केवल पलटवार किया था। केवल सिर्फ इंटेंशन ये था कि जिन कानूनों का तुम दुरुपयोग कर रही हो, जिन कानूनों के सहारे तुम्हारा जो पाप उछल रहा है ना, उन्हीं कानूनों में हम इतनी गलतियां निकालेंगे कि तुम्हें हम एहसास दिला देंगे। मेरी जो लड़ाई थी ना वो मेरी पत्नी से थी, अगर मैं पत्नी से लड़ता तो मेरी डायरेक्ट लड़ाई मेरे बच्चों से थी। आगे चल के वो बच्चे जो है ना वो तितर बितर हो जाते, बिखर जाते, बेशक मैं कितना भी प्यार सुन, क्योंकि एक माँ है ना अपने बच्चे को प्यार दे सकती है, दूसरी नहीं दे पाई। ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस आए मेरे सामने, लोगों ने कहा ये मोरलिटी का जो पार्ट पढ़ा रहे ना लोग हमें, कहते हैं कि नहीं दूसरी कर ली, तीसरी कर ली, तो भाई मेरे जिसने एक तलाक ले लिया ना, दूसरी शादी करने जब गया है ना, उससे ज्यादा टॉर्चर हुआ है, सुसाइडें की हैं, 60 साल की उम्र में लोगों ने पूरा पूरा जिंदगी खपा दी है और आज भी मुकदमे झेल रहे हैं। तो आप कहाँ निकलना चाह रहे हैं, किससे बचना चाह रहे हैं? ये जो फितरती मानसिकता है ना कि पहली पत्नी को निकाल दिया या वो निकल गई, अब दूसरी शादी कर ले, पैसे वैसे दे दबा के ये कर ले, तलाक हो जाए जल्दी पल्दी, दूसरी शादी करे। तो मैंने ऐसे ऐसे मैटर भी देखे हैं, मेरे पास में यहाँ पे आए थे जो लड़के के जो बाप है ना, वो बहुओं को अकेला देख के ना उन पे गलत नियति भी रखते हैं। और ये कैसे मैंने समझा, जब मेरे पास वो बंदा आया ना, तब मैंने उसकी दुबती रख पे जब हाथ रखा, तब उसने बताया कि मेरे ऊपर छिड़खानी का आरोप किसी और महीना नहीं लगा, तब हमें समझ में आया कि आदमी ऐसा होगा। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम बोलते नहीं है, हम महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं, या इसलिए क्योंकि हमें
इन फर्जी मुकदमे जो हो रहे हैं ना, इनसे दूसरों को बचाना, उनके परिवार वालों को बचाना। लेकिन जो लोग हमें पर्सनल कमेंट कर रहे हैं कि तुम पहली वाली को ले आए, दूसरी, भाई मेरी एक ही शादी हुई थी, जीवन में एक शादी होती है, अगर हमारी एक सफल नहीं हुई ना तो हम 10वीं शादी कर लेंगे, हमारी सफल नहीं। आपका माइंडसेट होगा लड़कियां बदलने का, पत्नियां बदलने का, हमारा माइंडसेट नहीं था। मेरा माइंडसेट सिर्फ इतना था, इसको खूब सबक सिखाएंगे, उसको कानून की भाषा में समझाएंगे कि जिस कानून का ये सहारा ले रही है, जिस माँ बाप के सहारे पे ये उछल रही है, इन कानूनों का पलटवार कैसा होता है, इन कानूनों का लास्ट में निष्कर्ष क्या है। शादी तो मैं भी कर सकता था लेकिन नहीं की, जरूरत नहीं समझी। और मोरलिटी का पाठ ना पढ़ाया जाए, ज्ञानबाजी हमें ना दी जाए, ये दाढ़ी के बाल हमारे ऐसे ही सफेद नहीं हो गए, कुछ तो 13 साल में मैंने भी देखा है। ऐसे ऐसे बंदे हैं ना जो 30-30 साल की लड़कियों से शादी किए हैं, जिनकी उम्र 60 साल हो गई, 55 साल हो गई। ठीक है, अगर एक शादी में आप सफल नहीं हुए ना, दूसरी में आप सफल नहीं हो सकते। ये जो मानसिकता आप पाल के बैठे हो ना कि हम तलाक दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दूसरी शादी कर लेंगे, पैसा दे देंगे, हम छुटकारा ले लेंगे, तो मैं एक चीज स्पष्ट बता दूं, जो तलाक होता है ना, वो सिर्फ दूसरी शादी करने के लिए अनुमति होती है, उससे महिला के अधिकार वंचित नहीं हो जाते हैं। ऐसा भी एक केस आया मेरे सामने, एक क्या, बहुत सारे ऐसे केस आए, और करंट में मेरे पास में आगरा का एक केस ऐसा भी है कि पति और पत्नी का तलाक हो गया, पति ने दूसरी शादी कर ली और पत्नी ने कहा कि नहीं मेरा पति है, उसने आके मेंटेनेंस डाल दिया, उसने सारे मुकदमे डाल दिए। ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। अगर मैं पुरुषों के प्रति अगर समर्पित हूं, मेरा माइंडसेट है क्लियर है, भाई लड़ा तो हूं ना मुकदमे, लेकिन आप माइंडसेट अपना क्लियर करो, डरना है उसको, ये बताओ, उसको एहसास दिलाओ, तुम जिस रास्ते पे चली हो ना, वो रास्ता तुम्हारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, वो रास्ता तुम्हारे लिए कितना गलत था। पर्सनल अटैक मत करो। हमने उस पीरियड में एक एक रुपए के लिए मैं तरस गया, आज भी तरस रहा हूं, ऐसा नहीं है, कोई हालिया स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, आप लोग आके देख सकते हैं। पर आप लोगों को हम ये भी दिखा सकते हैं कि मेरे ससुर जी आज कहाँ बैठते हैं, तो कभी मेरे पापा को लाचार करते हैं, मेरे पापा जीते जी खत्म हो गए लेकिन कभी दरवाजे पे नहीं। मैंने भी ये कह दिया है कि जो हमारे ससुर जी जो है ना, वो हमें पसंद नहीं करते, हम दोनों पति पत्नी को एक साथ खड़ा होना पसंद नहीं करते, हमने भी डिसाइड कर लिया जब तक हम जिंदा है ना, तब तक दरवाजे को नहीं देंगे। मेरा इंटेंशन, मेरे बच्चे थे और मेरे बच्चों की खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती थी, और हम पत्नी से लड़ते तो हम डायरेक्ट अपने बच्चों से लड़ रहे थे, अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ करते। अगर आपके भी बच्चे हैं ना, तो मेरे भाई, मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बात जरूर सोचना, चाहे आपकी पत्नी हो, वो अगर वीडियो मेरा देख रही हो, या आप, वन वे में बच्चे दिखते हैं। मैंने सफर किया, मैंने बच्चे पढ़ाए लिखाए पाले, जितना मैं कर सकता था एक पिता की हैसियत से उतना मैंने किया, लेकिन वो खुशी कभी नहीं दे पाए जो खुशी आज उनको मिली। मेरी पत्नी ने ससुर में कहा था कि मेरी पत्नी को कभी गाँव नहीं भेजे, कभी उस दरवाजे पे नहीं जाने दे, मेरी वाइफ गई, पर आज भी मैं अकेला हूं यहाँ पे, और मेरी पत्नी जो है ना बच्चों के साथ में भी गाँव में है, जो हमारा पैतृक आवास है। दूसरी शादी करके किसका भला हुआ है, आपको पता है, दूसरी शादी करने से ना, जो महिला होती है ना वो पुरुष बन जाती है, जो पुरुष होता है ना महिला हो जाती है, आपको हर वो काम करने पड़ेंगे ना जो आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, ये बात अलग है कि तुम्हें अगर महिलाओं में दिलचस्पी ज्यादा है, महिलाएं पत्नियां बदलने का शौक है, तो फिर बात अलग, तो फिर बदल दो, फिर यह जीवन का कोई मोल नहीं है। हर तरीके के मैटर मैंने देखे हैं, आज मजबूर हो गया ना जब लोग हमारे ऊपर पर्सनल कमेंट करने लगे, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, मेरे बारे में सब जानते हैं, लोग मेरे घर पे भी आए हुए हैं, मेरे यार मित्र वगैरह है ना, वो भी मेरी मिसेस से यहाँ मिल के गए हैं, घर पे आए हैं, उन्होंने भी स्वभाव देखा है, हम पति पत्नी का झगड़ा कभी नहीं हुआ था सही मायने में।
हमारी जो जिद थी, हमारी जो लड़ाई थी, वो सिर्फ हमारे ससुर से थी, जिन्होंने, आज भी मैं नहीं जाता हूं, आज भी घर नहीं जाता। मेरी पत्नी जो है वो जाएगी तो मैं जाने देता हूं, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन मैं नहीं डर। तो इसलिए पत्नियों को बदलने का जो शौक पाल रखा है ना आपने, ये शौक ना पाले, पतियों को बदलने का जो शौक महिलाओं ने पाल रखा है ना, इससे आपका भला नहीं हो रहा है। एक खूंटे से जब भैंस छूटती है ना, तो फिर वो हजार खूंटे पे जाती है, वो चाहे पुरुषों के लिए हो चाहे महिलाओं के लिए। अगर आपको लड़ना है ना, आप अपने पति से लड़ो, आप अपनी पत्नी से लड़ो, लेकिन उसको इतना एहसास दिला दो तुम कहाँ गलती कर रही थी, ताकि कि वो आगे जीवन में इस तरीके का कदम उठाने से पहले ना चार बार सोचे। पर बाकी का ज्ञानबाजी मत किया करो, सब जानता हूं मैं, पुरुषों के बारे में भी जानता हूं, तो महिलाओं के बारे में तो जानता ही, ठीक है। दूध का धुला हुआ कोई नहीं। मेरी लड़ाई मेरी पत्नी से नहीं थी, मेरे ससुर से थी। और माँ बाप ये कैसे होते हैं ना, जो घर उजाड़ने का कारण बनते। बाकी का अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन सच्चाई यही है। अगर आपको लड़ना है ना, आप लड़ रहे, दूसरी तीसरी के चक्कर में मत पड़ो, उजड़ जाओगे। और आपके जैसे लोग ना हमारे पास आए भी है, भैया तलाक हो गया, इतने लाख रुपए दे दिए, दूसरी करी है, उसने मुकदमे डाल दिया, वो कह रही है कि मुझे इतना लाख रुपए दी। अरे भाई, कितने को रुपए दोगे तुम, कितनों को खरीदोगे, कितने पुरुषों को बदलोगे, कितने पति बदलोगे, कितनी महिलाएं बदलोगे, समझ रहे हो ना। गंभीरता से सोचना, और थोड़ी सी भी अगर शर्म बची हो ना, एक बार ना, एक बार अपने जीवन के बारे में सोचना। मुकदमेबाजी, आज तुम्हारी पत्नी ने मुकदमा लगा दिया तो तुमको इतना बुरा लग गया, लड़ो ना, उसको सबक सिखाओ ना, उसको एहसास दिलाओ भाई तुम ये स्टैंड करती। दूसरी शादी के चक्कर में पड़ गए, दूसरी तुम्हें भली मिल जाएगी बहुत, या दूसरा पति तुम्हें भला मिल जाएगा, समझ रहे। तो ज्ञानबाजी ना करे, ज्ञान यहाँ पे भी रखते, बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलते चले जाओ। और अपनी अपनियों को संभाल लो पहले, तब हमारे बारे में पूछो, हमारी घरवाली जो है ना हमारे पास नहीं है, टेंशन मत। और वो मुकदमे लगा देगी तो वो भी लड़ गए। और मेरी पत्नी का मैं धन्यवाद देता हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो मुझे ऐसी पत्नी मिली, मेरा हर जगह अब साथ देती है और मुझे इस कैरियर में लेके आई। हर चीज को नेगेटिविटी से नहीं देखना चाहिए, हम लोग रह रहे हैं साथ, मेरी पत्नी के वजह से आज मैं आगरा रहने आया हूं, आज मान सम्मान आप लोगों के बीच में आया हूं, आप लोग मान सम्मान देते हैं। अगर ये पत्नी मेरी केस नहीं करती, ये सारी चीजें नहीं होती, हम अपने आप को नहीं ढाल पाते। हाँ, जो ससुर ने किया वो जिंदगी भर रहेगा, वो चीजें नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, हमें करना भी क्या है, हमें तो अपने इंसान से मतलब है, अब हमारे बच्चे सुखी हैं, हम खुश हैं, ठीक है, क्या करना है? सोचो एक बार, तलाक लेने से या तलाक देने से कभी किसी का भला नहीं हुआ, ठीक है। एक टूटा बदल गया ना, तो 36 टूटे पर जाओ नया।